फार्मा फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बहुत दिन से सुनने में आ रहा था कि एग्ज़ाम की डेट चेंज होगी, बदलेगी, पीछे जाएगी, बट ऐसा नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट सेम है, बदलेगी नहीं। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे डी फार्मा के, उनके एग्ज़ाम 2 जुलाई 2022 से हैं, और जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम 1 जुलाई 2022 से शुरू हैं। तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। जो एग्ज़ाम डेट आपकी जारी की गई थी 9 जून 2022 को, वही सेम रहेगी। हालांकि मैं काफ़ी दिन से कॉलेज में फ़ोन करता था, बात करता था अपने टीचर से, या फिर कोई मेरे मित्र हैं और कुछ स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते थे मेरे, तो फिर मैंने उनसे बात की, लेकिन कोई संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिल पा रहा था। हालांकि आज भी जब मैंने बात की तो भी वो सही जवाब नहीं दे पाए। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि जैसे पॉलीटेक्निक वाले स्टूडेंट हैं उनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, तो फिर अब आप जो डी फार्मा के स्टूडेंट हैं उनकी डेट शीट चेंज होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है। हाँ, अगर पॉलीटेक्निक वालों के एग्ज़ाम नहीं होते तो शायद आपकी डेट चेंज हो जाती, बट उनके एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं तो आपकी भी डेट चेंज नहीं होगी। हालांकि जब आप देखिए साइट पर जाते हैं BTUP की, वहाँ पर जाकर के सर्च करते हैं और अपना एडमिट कार्ड खोजने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर एडमिट कार्ड आपका नहीं निकल पाता है। आप जब एनरोलमेंट नंबर भरते हैं, डेट ऑफ बर्थ भरते हैं, तो वहाँ पर वो निकल कर नहीं आता है। आपका फ़ोटो आ जाता है, लेकिन वो आपका जो एडमिट कार्ड है वो निकल कर नहीं आता है। तो ऐसे में बेहतर है कि आप अपने कॉलेज चले जाएँ, कॉलेज से अपना एडमिट कार्ड ले लें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी भी इस उम्मीद में है कि एग्ज़ाम की डेट पीछे हो जाएगी और एडमिट कार्ड ऑनलाइन ही डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं। एडमिट कार्ड उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है वहाँ पर, और वो सोचते हैं कि अभी एडमिट कार्ड नहीं आए यानी एग्ज़ाम पीछे जाएंगे, बट ऐसा नहीं है। कॉलेज में आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं, आप कॉलेज जाकर के एडमिट कार्ड ले सकते हैं, और भले ही आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें ऑनलाइन, आपको कॉलेज फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक आपके साइन होंगे और एक प्रिंसिपल के साइन होंगे, तो भी आपको कॉलेज जाना ही पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि आप वहाँ पर मेहनत ना करें और डायरेक्ट कॉलेज जा करके आप अपना एडमिट कार्ड ले सकते हैं। उम्मीद यही थी कि आपकी डेट आगे बढ़ जाएगी, थोड़ा समय आपको मिल जाएगा। मेरी खुद भी दिल से यही इच्छा थी आप लोगों के लिए कि भाई आपको थोड़ा सा समय मिल जाए, आप लोगों को तैयारी का मौका मिल जाए, लेकिन BTEUP को शायद ये मंजूर नहीं था। उन्होंने जो डेट फिक्स कर दी थी वो फाइनल कर दी उसी समय, उन्होंने चेंज नहीं की। हालांकि कुछ गलती मैं कॉलेज की भी मानता हूं, क्योंकि कुछ कॉलेजों में स्टूडेंट को यही नहीं बताया गया कि एग्ज़ाम कब होंगे, वो ऐसे बोलते रहे कि अभी पता नहीं है, अभी एग्ज़ाम नहीं होंगे, तो ये बहुत गलत किया है उन्होंने स्टूडेंट के साथ। अगर ऐसा था कि एग्ज़ाम फाइनल थे, पक्का थे, तो उन्हें तुरंत जब ही बता देना चाहिए था। लेकिन चलिए, फिर भी जो भी कुछ है, मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पास हो जाएंगे। देखिए, डिवीज़न के चक्कर में मत रहिएगा, पास होना आपका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आपको डिग्री चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। आपको परसेंटेज दिखा करके कुछ नहीं करना है। अगर आप मेडिकल स्टोर खोलेंगे या फिर कहीं जॉब पे जाएंगे, परसेंटेज कुछ मायने नहीं रखते मेरे भाई। तो केवल आप पास होने की सोचें, और आपको जो डिप्लोमा मिलेगा उससे ही आपका जो प्रोफेशन है वही तय होगा। तो मैं बस आपके लिए यही दुआ करता हूँ कि भगवान करे कि आप सब पास हो जाएँ, आप सब अच्छे नंबरों से पास हो जाएँ, और आप में से कोई भी बच्चा फेल ना हो। नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।